अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। एक बार फिर आपको ऑफिशियल मुहिब ऑफिशियल की लॉग में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। बारिश का मौसम है इस्लामाबाद में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी ये फैसल मस्जिद जो है वो सही धुली भी नज़र आ रही है, ट्रैफिक ये जा रही है और पूरे पहाड़ भी धुले हुए हैं, बादल हैं। और अभी हम जाने लगे हैं एक दोस्त की तरफ और उधर है आज हमारा बारबेक्यू, तो देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हम इंजॉय करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हमारे साथ रहिएगा और आगे आज मज़ा आने वाला है बहुत। तो जी ये हम निकल पड़े हैं दोस्तों अपनी आज की पार्टी की तरफ, बारबेक्यू पार्टी की तरफ। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ना सर्दी है ज़्यादा ना इतनी गर्मी है, और बारिश की बूंदें जो है ना वो क्या कहते हैं, मज़ा को दुबाला कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की खुसूसियत है। तो फ्रेंड्स जी हम रिवील कर रहे हैं खादिम साहब को, इनको आप जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये ठीक खादिम साहब आप लोग हमारे जो वीलॉग देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का, इसमें जो है वो थे, ये हैं आयान, इनको भी आपने देखा हुआ है वीलॉग में। तो इनकी दावत में आज हम आए हुए हैं और बारबेक्यू जो है ना, ये हैं अनवर साहब ऑल दी वे फ्रॉम खपलू हैं, और आज गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी होने लगी है। ये फिश को मसाला लग रहा है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैरिनेट होकर रखी हुई हैं। खाली साहब इसको उठाएं जरा, दिखाएं व्यूअर्स को क्या क्या है। जी ये है जी चिकन चिकन की कढ़ाई फ्राई रहेगी करेंगे, इंशाल्लाह। और ये है जी ये दुम्बा, ओए होए लेट है यार, हमेशा की तरह आप लेट है। यहाँ पार्टी ऑन है और आप अभी तक पहुंचे नहीं है यार। सुहाना ये नीचे वाली जी जुनैद भाई क्या बना रहे हैं आप? यार कढ़ाई का कुछ कर रहे हैं, खादिम साहब ने बहुत पानी डाल दिया है, इसको हम अभी सुखाएंगे। टमाटर हमने कहा था खादिम साहब को ना डालना, उन्होंने खादिम में डाल दिए, तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसको। यार ये तो बड़ा काम खराब कर दिया, सूप बना दिया ये तो। असल में बल्तिस्तान में ज्यादातर ना सूप भर चीजें होती है, इसको अभी बल्तिस्तान से वापस पाकिस्तान में लेकर आना।
खादिम टमाटर क्यों डाले? टमाटर क्यों डाले खादिम? फयाज साहब ये देखें, जैसे आप कह रहे थे टमाटर डाल दिए यार, ये देखें बिल्कुल सूप बना दिया खादिम, ये क्यों किया आपने ऐसा? ये हमारे एक और व्यूअर आ गए हैं आज, काफी दिनों बाद काफी दिनों बाद हमारे व्यूअर आ गए हैं, पहुंच गए। ये जी कढ़ाई बन रही है धुआं समेत, आए हाय बारबेक्यू भी है, सुभान अल्लाह। ये चिकन ये जी गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर डिश ममतो, ममतो। और ये हमारे जो है ना दिशान भाई स्पेशल हमारे लिए बना के आए, ये दिशान भाई हैं हमारे, और ये ममतो है जिसको डम्पलिंग्स कहते हैं, जिसको डम्पलिंग्स कहते हैं। ये क्या बात है, क्या बात है, ये जीबी जीबी की मशहूर डिश। प्याज भी कैसी है, व्यूज देंगे, स्वाद आ गया, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ममतो ममतो डम्पलिंग्स राजा छा गए, मुश्किल पुत्र छा गए हैं। इसकी दूसरी डिश पड़प्पू, शान भाई किससे बनती है जरा बताइएगा। जुनेद भाई ये ड्राई फ्रूट से बनता है प्योर, और इसमें अखरोट बादाम ये चीज़ें पिसाया हुआ डाला हुआ है, और इसका जो है ना आटे से ये जो बनाया हुआ है ये आटे से बनाया हुआ है, जो के आटे से, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ जो है ना ड्राई फ्रूट इसको मिक्स करते हैं। और सुना सलीम चले जी, ये बन चुका है, ये बन चुका है और हम लेके जा रहे हैं ऊपर खाने के लिए। ये हमारे मछली आ गई, खास और ड्राई फ्रूट से माशाल्लाह। ये बताएंगे बाबर भाई हमें, चख के बताएंगे कैसा है देसी डिश। आप तो वैसे देसी के बड़े चौकी जी। असल भाई कैसा है, अच्छा स्वाद आ गया मुश्किल पत्ता, खाना स्टार्ट हो गया जी।
जी फैज साहब, आपने कुछ नहीं बताया क्या चल रहा है मामला? और पड़प्पू, पड़प्पू ये जीवी की मशहूर डिश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और डम्पलिंग भी आपने कैसे लग रहे डम्पलिंग का? कमाल है, क्या बात है, क्या बात। इसके बाद फिर मोमेंट ही करनी है आपने, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कोशिश करने के मोमेंट नहीं, और खैरियत से अपने अपने घरों पर पहुँचना है। तो सब लेट हो गए आप, क्या वजह हुई है? हैं एज यूजुअल कितने बजे आए? थोड़ा टाइम बता दें व्यूअर्स को। 10:15 बजे। और आना कितने बजे था? आना कितने बजे था? आना तो मैंने जल्दी था। हाँ, हमेशा आप फंस क्यों जाते हैं? कोई रीजन? लास्ट मिनट, 4 बजे लास्ट मिनट होता है। तो कैसा खाना, कैसा है? आप सब चार बजे के बताया हुआ है। क्या क्या था खाने में? उन्होंने बताया था अभी एक नाश्ता वो बड़ी गाड़ी तो स्पीड में ना उसको दुबारा से ना। मस्सू कहां से आ गया? पड़प्पू, पड़प्पू मस्सू नहीं, ये मस्सू है। यस यू आर राइट, मस्सू है। यस पड़प्पू, ये ऑलरेडी कर दूं। तस्वीर है, अगर समझ गया ना, समझ गया ना। अच्छा क्या खा रहे हैं ये तो बताएं, वी मस्ट पूछ रहे हैं। फिश, दुम्बा शनवारी और ये है। रेटिंग किसमें? ममतू आपने मिस किया है वैसे। ममतू मिस किया लेट आने की वजह से। आप नहीं बनाया यार तुम लोगों ने। नहीं नहीं, बहुत मजेदार है माशाल्लाह। ये मरजान, ये खादिम साहब ने बहुत मेहनत की है, और जिशान भाई ने जो ममतू खिलाया है ना वो कमाल। मतलब हम 3 घंटे बारबेक्यू करते हैं, एंड में हमने शुरुआत ममतू से करी। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आपके लिए तो वो नॉर्मल डिश है ना। ये देखिए जी व्यूअर्स, ममतू जो है वो आतिफ साहब को मिल चुके हैं। ये नसीब की बात है, और इसके पीछे इस बंदे का हाथ है। ये जो अनवर है ना, इस बंदे का हाथ है, छुपा के रखे हुए थे। आतिफ साहब बाइट करें और व्यूज दें प्लीज। आप ले, बाइट करें, कल ले लेंगे। मैंने नहीं खाना, मैंने ही खाना। आप जब बन रहे बता दें। अभी निकलेगी, निकालू कैसा कैसा है? और मजे का, क्या बात है माशाल्लाह। तो जी ये मीठा भी चलने लगा साहब, मीठा प्लीज, मीठा तो जरूरी है ना। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, व्यूअर है ना हमारे, ये फयाज साहब हो गए, ये बाबर साहब हो गए, सबसे बड़ा फैन। ये पहुंच जाते हैं, ये लकी ड्रॉ। मैं के बे
आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीन, आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीन, आज मैं और चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजार ये कहीं खामी है ईमान की न हो, मैं मदीने से पलट आया पलट आया हूँ, मैं के बेवकतों बेमाया हूँ, तेरी महफिल में सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तबीब से मिली राहत न कुछ दवा से मिला, तबीब से मिली राहत न कुछ दवा से मिला, कहाँ मैं और कहाँ पुकी सना बस पकी अता से मिला, शहीद जिन के घर का शहादत जिन का
शहादतों का ये दर्स दश्त करबला से मिला तबीब से मिली राहत न कुछ दवा से मिला जिक्रे मुस्तफा न करे खुदा का जिक्र करे जिक्रे मुस्तफा जिक्रे मुस्तफा ना करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा दरे रसूल पे ऐसा कभी ओके फयाज साहब कैसा रहा आज का दिन जबरदस्त रहा आतिफ साहब आप बताएं दिन कैसा रहा आज का है जबरदस्त रहा और वर भाई आप सुनाए सब ठीक रहा काफी अच्छे बात गैदरिंग हुई हमारी यहाँ और ये वो बंदा है जो हमारी मेजबानी करेगा जीबी में शादी में हम जाएंगे इबादा रहा ठीक है ना डन हो गया ठीक है जी अल्लाह हाफिज़
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें।